तो बच्चों हम कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो हमने उसमें स्टडी किया था सारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का सेटअप, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, फोटो करंट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है, फोटो करंट वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, देयर वॉज समथिंग कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, एमिशन तब तक नहीं होता जब तक एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी की लाइट ना डले, इंटेंसिटी जितनी मर्जी डाल दो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है तो एमिशन भी नहीं होगा, है ना। तो एंड देयर वाज समथिंग कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि वो रिटार्डिंग पोटेंशियल जिस पे फोटो करंट बिल्कुल जीरो हो जाए, और प्राइमरीली वो था क्या चीज, दैट वाज इट वाज दैट पोटेंशियल डिफरेंस एट विच इवन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन फेल्ड टू रीच द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, राइट। एंड देयर वाज फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन का विच हैव द highest kinetic energy K max, and there was a relation between stopping potential and K max. तो सारा जो हमने उसने स्टडी किया ग्राफ वगैरह स्टडी करके, तो उनको इकट्ठे करके हम चार पॉइंट बना रहे हैं लॉज। लॉज मतलब एमिशन में, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में होता क्या क्या, वो ऑब्जर्व करके देन विल सी कि हाउ वेव थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ थिंग्स, फिर कैसे आइंस्टाइन ने बाद में फिर फोटोन पिक्चर, वेव पिक्चर से बात नहीं बनी, फोटोन यानी कि पार्टिकल पिक्चर से इसको एक्सप्लेन किया। तो जो किया हुआ उसी को रिवाइज है थोड़ा सा, और शॉर्ट में वी स्टडीड दैट फोटो करंट अगर एक बार स्टार्ट हो गया दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, एंड देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट्स ओनली if the incident frequency was greater than some threshold frequency, equal to लिख सकते हैं उसके लिए just। फिर ये था कि अगर frequency इससे बड़ी हो गई then stopping potential was a sort of directly proportional। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलना थोड़ा गलत होता है, कि अगर वो जीरो से स्टार्ट करे तो होता है, लेकिन इट इज लाइक दैट। तो डायरेक्टली की बजाय हम बोल देते हैं इंक्रीजेस विद स्टॉपिंग पोटेंशियल कॉम वी नॉट इंक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी, चौथा का जो उस दिन डिस्कस नहीं हुआ वो बताने वाली बात यह है, देखा ये गया कि लाइट के ऑन करते ही फोटो करंट ऑन हो जाता था। क्या मतलब हुआ इसका, कि जैसे लाइट मारी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एकदम से बाहर, देयर वाज वेरी लेस टाइम लैग, क्या मतलब, ये मानते हुए कि हाँ थोड़ी सी बात पता चली है ये मेटल है और ये लाइट पड़ी है, जैसे ऑन हुई ना लाइट साथ ही इलेक्ट्रॉन बाहर, ये नहीं कि पहले लाइट थोड़ी देर डालेंगे फिर बात होगी, ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक मिशन इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन
एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेकेंड 10 रेज टू माइनस 9 भी बड़े कम टाइम। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं यहां पे फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन लॉस। तो इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाई है। रीजन कि failed to explain threshold frequency। यहां पे कैसे उनके हिसाब से हमें किसी मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो एक वर्क फंक्शन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए वर्क फंक्शन। तो वो कहता है फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, इंटेंसिटी ज्यादा मार दे। वेव थ्योरी कहते हैं कि इंटेंसिटी, अब आपको याद हो या ना याद हो मैं याद कराता हूं, इंटेंसिटी इज बेसिकली एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो कहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम यहां पे इंटेंसिटी बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन को लेके वो एनर्जी बाहर आ जाना चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं होता। देखा क्या गया है कि अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कोई है, फ्रीक्वेंसी है, उससे कम फ्रीक्वेंसी की जितनी मर्जी पावरफुल, जितनी मर्जी हाई इंटेंस बीम डाल दे, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते। दैट वाज क्वाइट स्ट्रेंज टू देम। दूसरी तरफ क्या हो रहा था, दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी भी ज्यादा है किससे, थ्रेशोल्ड से, तो चाहे इंटेंसिटी कम भी है तो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर। और दूसरा जो मेनली एक ये इंस्टेंटेनियस को भी एक्सप्लेन करने में उन्हें परेशानी है, तो इट फेल्ड टू एक्सप्लेन instantaneous, almost instantaneous emission। Reason आपको ध्यान से सुनना होगा छोटे बच्चे, यहां वेव ना बच्चों हम मानते हैं डीलोकलाइज है, और इसके ना न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन वो मतलब दैट इज नीड नहीं है, मतलब थोड़ा सा आप कह लो ज्यादा मैथमेटिकल है हम कर सकते हैं। क्या बोलने जा रहा हूं बताओ आपको, कि इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होता है बच्चों। अगर मैं आपको एटम का साइज बताऊं ना, तो एटम का साइज है 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर। सर आप बताना क्या चाहते हो, बता रहा हूं, आप जो बता रहा हूं सुनते जाओ। न्यूक्लियस का साइज 10 रेज टू पावर माइनस 15 मीटर। 10 रेज टू माइनस 10 मीटर का मतलब होता है 1 मिलीमीटर का 1 करोड़ में हिस्सा, और फिर ये उसका भी 1 लाख का हिस्सा। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन डीसी साइज का हुआ, इससे भी छोटा, और इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन से भी छोटा होता है। ठीक है, अब हुआ क्या, कहता है वेव जब आती है ना, वेव ये सोर्स है, तो बेसिकली इसे बिखर के वेव फ्रंट होता है ना, ये वेव फ्रंट आते जा रहे हैं इंसिडेंट हुए, तो अगर वेव थ्री है तो वेव फ्रंट आया, तो वेव फ्रंट आया तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन को
ये एनर्जी इसकी ऐसे बिखरी हुई है, अगर वेव है तो एक जगह पे इंटेंस नहीं है, राइट। तो एन इलेक्ट्रॉन इज एबल टू इंटरसेप्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, वेव फ्रंट का हिसाब लगाना होता है तो उसके ऊपर जो एनर्जी पड़ेगी, क्योंकि यहां से उसका अपना एरिया इलेक्ट्रॉन का छोटा सा जो एरिया क्रॉस सेक्शन उसको हिट कर रहा है, तो इतनी फिर ये आपने करना क्या है, एसएल से पढ़ने का लिखवा रहा हूं, समझा रहा हूं सिर्फ। तो स्मॉल क्रॉस सेक्शन होने की वजह से और एनर्जी यहां डीलोकलाइज है, अगर वेव है तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग व्हाट वेव फ्रंट, तो वो एक न्यूमेरिकल बना हुआ है, बल्कि उन्होंने साइंटिस्टों ने कैलकुलेशंस करी कि अगर यहां से कोई आ रही है वेव, उसकी एनर्जी होगी, इंटेंसिटी ऑफ बीम होगी, इंटेंसिटी से लगा लेंगे इलेक्ट्रॉन का कितना एरिया है, इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी इंटरसेप्ट करी, तो जब वर्क फंक्शन के साथ कंपेयर किया ना कितना टाइम लगना चाहिए, इट बड़े वीगड आंसर आते हैं, कईयों को मिनट्स में आंसर आता है, डिपेंडिंग अपॉन द कौन सी मेटल ली है हमने, कौन सी लाइट ली है, मिनट्स, आधा घंटा, पांच दिन, ऐसे ऐसे अजीब टाइम आते हैं कि अगर वेव फिर पड़ी है तो उसके हिसाब से मतलब आधे पौने घंटे पर इलेक्ट्रॉन बाहर होना चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट द केस, इट इज आइदर आउट ऑफ नॉट। तो फेल टू एक्सप्लेन दिस, दूसरा एक और स्टॉपिंग पोटेंशियल, कभी इन्हें नहीं समझ आया फ्रीक्वेंसी से क्या लेना देना, इनके हिसाब से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंटेंसिटी से बढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगा भी ज्यादा इंटेंसिटी मार देंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा पॉइंट लिखने फिर ज्यादा इंटेंसिटी मारेंगे ज्यादा स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन के पास, ज्यादा एनर्जी रहेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, तो बेचारी वेव थ्योरी फेल होगी, वेव थ्योरी फेल्ड। Explain variation of stopping potential with intensity and threshold and frequency. According to wave theory, क्या होना चाहिए था? अच्छा एक्चुअली क्या है कि इंटेंसिटी से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई असर नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी से पड़ता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी क्या होना चाहिए कि ज्यादा इंटेंसिटी तो मोर एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, उन्हें लगता है इंटेंसिटी मार दी तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, मोर एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स and more stopping potential, which is not the case. अब प्राइमरी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हम सारा वैसे देख चुके हैं, लेकिन अब दैट इज जो ग्राफ मैंने बोले थे बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ है लास्ट क्लास में आइंस्टाइन इक्वेशन के, वो क्या है वो आपके सामने, और फॉर्मली आइंस्टाइन इक्वेशन को एक बार उसके तीन चार फॉर्मेट्स हैं वो सामने आके रख रहा हूं, इसका मैं वो भी शेयर कर दूंगा, दैट इज स्टडी नोट्स, नोट डाउन शाबाश। Einstein's equation of photo
इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हमने सीधे नहीं कर ली थी, बट ये रिमेंबर अगर हमने आइंस्टीन इक्वेशन लगानी है तो किस फोटो इलेक्ट्रॉन की बात करनी है जो फास्टेस्ट है। तो न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी के बारे में करनी पड़ती है, इंसिडेंट फोटोन, लैम्डा इज द वेवलेंथ, इंसिडेंट फोटोन तो के मैक्स इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, डब्ल्यू नॉट इज द वर्क फंक्शन, म्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देन वी डिड कि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहां से आई जो उसको फोटोन ने दी। तो कहता थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर दो, तो कह दिया कि पैकेट है, पैकेट ऑफ एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो पत्थर की तरह, और एनर्जी से ज्यादा हुई इट विल इजेक्ट कोलिजन बेसिकली सॉर्ट ऑफ। तो एच न्यू एनर्जी लेके आया था जो डब्ल्यू नॉट से बड़ी होनी चाहिए थी, और डब्ल्यू नॉट से बड़ी मिली तो उतनी उसको लग गया, उसको बाहर निकालने में एनर्जी कंज्यूम हो गई, और रेस्ट ऑफ द एनर्जी उसने दे दी फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को। अब इसके साथ हम कई तरह के पंगे ले सकते हैं। वन ऑफ द इज, पहले तो इसी का ग्राफ अलग करना होता, अगर मैं इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ करूं तो ग्राफ इस केस में y एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट और x एक्सिस पे न्यू, हेयर इज थीटा, तो हेयर इज माइनस डब्ल्यू नॉट जीरो, और ये ग्राफ है किसके वर्सेस, के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो अगर आप देखो यहां पे इंटरसेप्ट कितना आ गया वर्क फंक्शन के इक्वल विद माइनस साइन, एंड एक्स ये है तो स्लोप कितनी आई है एम एज एच, यानी टेन थीटा इज बिलो एच। एम को क्या बोलते हैं पता ना आपको, एम इज कॉल्ड स्लोप, स्लोप टेन थीटा इज इक्वल टू एच। इट्स वेरी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज से फंडामेंटल इंपॉर्टेंस की बात है कि ये जो स्लोप आ रही है ये यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। राइट, तो यहां पर हमारे पास ऑन व्हाट इज दिस, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव पे आनी है। तो वहां से ग्राफ ये आ रहा है कि इससे पहले काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी से पहले एमिशन ही नहीं हो रहा, ये फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, ये फ्रीक्वेंसी लेस देन, कोई एमिशन नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखो इसके बेसिस पे कैसे ब्यूटीफुली स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ एक्सप्लेन किया। ये तो इक्वेशन ने बना दिया ना ग्राफ थ्योरी में, तो पुट
डीबी नॉट दिस इज ऑल्सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बस m और c चेंज हो गए हैं, है वो भी कॉन्स्टेंट है, सी डब्ल्यू नॉट अपॉन ई है एंड m इज अगेन यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, h प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है तो e अगेन कॉन्स्टेंट ही है। और मजेदार बात है ये प्रैक्टिकली ग्राफ ऐसा आया था और थ्योरी ने उसको एक्सप्लेन कर दिया। यहां पर जो टाइम थीटा है वो एच अपॉन ई है, तो स्लोप कोई भी मेटल हो, अगर मेटल चेंज करेंगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, लेकिन एच की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई ना। तो क्या मतलब है, अगर डिफरेंट मेटल्स के लिए ग्राफ बनाए जाएं, यहां के एम एक्स करके, तो वो ऐसे आएंगे, उनके एंगल नहीं चेंज करने, ये चेंज हो सकती है बिल्कुल, अगर ये मेटल वन है ये मेटल टू है, मेटल वन का अपना वर्क फंक्शन, मेटल टू का इसे वन कह सकते हैं, तो थोड़ा सा जगह और बना लेते हैं, वन अपॉन ए टू अपॉन ए म्यू नॉट वन एंड म्यू नॉट टू, बट होने आपको सब पैरेलल चाहिए, छोटे मोटे एमसीक्यू बने हुए हैं, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देता ना, इससे भी आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन पैरेलल होने चाहिए, एंगल दोनों सेम होने चाहिए। ओके तो अब हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, आइंस्टाइन इक्वेशन के रूप बदल रहे हैं, जिससे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं आपको क्लियर हो जाए।